अब अगर 600 सीसी बाइक के बारे में बात करें तो इस सेगमेंट में काफ़ी सारी बाइक्स आ जाती है, बट बेस्ट वैल्यू फॉर द मनी बाइक कौन सी होगी, तो आइए उस बाइक की एक झलक दिखाते हैं। अब ये है एक रेट्रो कैफे रेसर बाइक जो रॉयल इनफील्ड की तरफ से आती है और इसका पूरा नाम है कॉन्टिनेंटल GT 650। 1960s में ये बाइक पहली बार लॉन्च हुई थी 250 सीसी की, और 57 ईयर्स बाद ये फाइनली इंडिया में लॉन्च हुई काफ़ी सारे चेंजेस के बाद, और फाइनली हमारे सामने ये बाइक 600 सीसी सेगमेंट में। ये बाइक मेरे को बेस्ट ऑप्शन इसलिए लगी क्योंकि भाई इसमें जो हमें फीचर्स मिलते हैं, स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं और इसका राइड रिव्यू मैं सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और ऑन रोड ये कितने में पड़ेगी वो सारे डिटेल्स इस वीडियो में है। तो भाई आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसके कलर्स एंड वेरिएंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें हमें टोटल 5 कलर्स देखने को मिलते हैं, और जो मोस्ट अफोर्डेबल कलर होता है वो होता है ऑरेंज कलर, और जो काफ़ी ज़्यादा हमें कॉस्टली देखने को मिलता है और टॉप मॉडल है वो होता है मिस्टर क्लीन फुल क्रोम बाइक, जो ठीक आपके सामने खड़ी है। ये थोड़ी बहुत कॉस्टली होती है बट टॉप मॉडल, और इसका कलर्स तो भाई लड़कों का प्यार होता है। तो अब हम इसके दोनों टायर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमें फ्रंट व्हील देखने को मिलता है, वो 100mm 18 इंच का स्पोक्स व्हील देखने को मिलता है, और भाई इसमें हमें अलॉय व्हील इसलिए देखने को नहीं मिलता है क्योंकि भाई ये टॉप मॉडल है और सारे टॉप मॉडल्स में हमें स्पोक्स व्हील्स ही मिलते हैं, अलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं। अब आ जाते हैं भाई रियर टायर पर। तो रियर टायर है वो 130mm का है और ये भी 18 इंच का स्पोक्स व्हील्स ही है। दोनों टायर्स में हमें, दोनों व्हील्स में हमें डुअल चैनल ABS का डिस्क ब्रेक मिल जाता है। जो हमें फ्रंट डिस्क देखने को मिलता है वो आता है 320mm का ABS के साथ, और रियर डिस्क के बारे में अगर बात करें तो रियर में हमें 240mm का ABS के साथ मिल रहा है, दोनों में हमें ABS मिल जाते हैं। इसके फ्रेम के बारे में बात करें तो इसमें हमें स्टील ट्यूबलर के साथ डबल क्रेडर फ्रेम मिल जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम इसके इलेक्ट्रिकल्स पे। अब अगर हम इसके इलेक्ट्रिकल्स के बारे में बात करें तो अब इसमें हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिकल्स देखने को नहीं मिलते हैं, बस आगे हमें एक LED हेडलैम्प मिल जाता है, बट इसके पहले वाले जितने भी मॉडल्स हैं सब में हैलोजन हेडलैम्प्स आते हैं। अब आते हैं रियर में। रियर में बात करें तो रियर में हमें हैलोजन ही देखने को मिलता है, रियर हैलोजन टेल लैम्प, और कुछ भाई इसमें इलेक्ट्रिकल्स नहीं मिलते हैं। अब आते हैं भाई इसके क्लस्टर पर। भाई अगर हम इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बात करें तो हमें इसमें देखने को मिल जाता है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विथ LCD। अब अगर हम इसके हैंडल बार के बारे में बात करें तो इसमें हमें देखने को मिल जाता है कैफे रेसर हैंडल बार, जो काफ़ी थोड़ा बहुत लीन है और हमें एग्रेसिव लुक दे देता है। और भाई ये जब रोड पे चलती है तो भाई क्या ही रोड प्रेजेंस आती है, लाजवाब। अगर हम इसके फ्यूल टैंक के बारे में बात करें तो हमें 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है, और सारे वेरिएंट्स में 12.5 लीटर के ही फ्यूल टैंक मिलते हैं। और अगर हम इसके एवरेज की बात करें तो कंपनी 25-26 का क्लेम करती है, बट भाई बिल्कुल बिल्कुल नहीं देती है भाई 25-26 का। अगर आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं 25-26 का एवरेज देगी तो नहीं गाइस, ये 25-26 का एवरेज नहीं देने वाली है। और ऑलरेडी हमारे चैनल पर एवरेज कैलकुलेशन का वीडियो पड़ा है, अगर आप लोग चाहो तो जाकर वीडियो देख सकते हैं, उसमें एकदम मैं क्लियरली दिखाया हूँ भाई ये कितने का एवरेज देती है। अब अगर हम इसके सीटिंग के बारे में बात करें तो भाई हमें डबल सीट भी देखने को मिल जाता है, बट एज ए पार्ट ऑफ एक्सेसरीज आप लोग सिंगल सीट विद काउल की तरफ जा सकते हैं, जो इसके लुक्स को भाई काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई कर देता है, काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। तो मैं तो आप लोग को बोलूँगा भाई सिंगल सीट विद काउल की तरफ जाओ, हम लोग भी प्लान कर रहे हैं बाइक उसी तरफ जाने के लिए, जल्दी देखने को मिल जाएगा अपने भी बाइक में सिंगल सीट विद काउल। अब अगर हम इसके सस्पेंशन के बारे में बात करें तो हमें रियर में देखने को मिल जाता है डुअल सस्पेंशन, बट फ्रंट में हमें देखने को मिलता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन विदाउट USD, बट 41mm का फ्रंट फॉर्क आप लोग को मिल जाएगा। तो बस इसमें USD की कमी हो गई थी, बाकी अगर USD रहती तो लाजवाब। अब हम इसके एग्जॉस्ट के बारे में बात करते हैं, हमें डुअल एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है विद पैरेलल ट्विन इंजन के साथ। अब हम आते हैं डायरेक्ट इंजन पर। यहाँ हमें 648cc का पैरेलल ट्विन इंजन देखने को मिलता है विच प्रोड्यूस 52 Nm टॉर्क एंड 47 BHP पावर। हमें इसमें 6 गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है, और अगर हम इसके टॉप स्पीड के बारे में बात करें तो 180 km/h का इसमें टॉप स्पीड है, और ट्यूनिंग के साथ आप इसमें 200+ जा सकते हैं इजिली, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसके फीचर्स पर आते हैं। फीचर्स आर नॉट दैट मच गाइस, बट हाँ इसमें हमें बॉस का स्पार्क प्लग और डुअल चैनल ABS मिल जाता है, बस भाई फीचर्स के नाम पे बस हमें इस गाड़ी में इतना ही मिलता है। तो हमें इसमें किक का ऑप्शन नहीं मिलता है, सिर्फ हमें सेल्फ स्टार्ट एंड किल स्विच देखने को मिलता है। और अब भाई बात करते हैं भाई इसके भाई चाबी की, तो भाई काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और भाई ये मेटेलिक लुक देखने को मिलता है GT चाबी में भाई, बाकी रॉयल एनफील्ड की सारी बाइक्स में मेटेलिक लुक नहीं मिलता है। तो यस ब्रो ये काफ़ी प्रीमियम सा एक धक्की में देखने को मिल जाता है। तो भाई अगर हम इसके राइडिंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो भाई इसने हमें काफ़ी कुछ किया है, सिटी में तो भाई बेस्ट है और हाईवे पर लाजवाब भाई, बट
अगर आप लोग सोच रहे हैं इसमें ऑफ रोडिंग करने के लिए, तो ऑफ रोडिंग करना इससे थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि भाई जो इसमें हमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है वो बहुत कम देखने को मिलता है, 174 mm का सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड क्लियरेंस है। आप इसको अगर टूरिंग के पर्पज से ले रहे हैं तो भाई टूरिंग के बारे में भी आगे वीडियो में आगे बताता हूँ, अभी प्रोज एंड कॉन्स में भाई आप लोगों को पता चलेगा भाई ये टूरिंग के लिए सेफ है या नहीं है। तो भाई इसके वेट के बारे में बात करते हैं, तो इसमें हमें टोटल 250 kg का वेट मिल जाता है, अप्रॉक्स आप मान के चलिए 250 kg। एंड इसका जो सीट हाइट है वो 308 mm के आसपास है इसका सीट हाइट। अब आ जाते हैं भाई इसके प्रोज एंड कॉन्स पे, तो इसके प्रोज के बारे में बात करते हैं तो मेनली 5 प्रोज आपके बताता हूँ। फर्स्ट भाई इसका सस्पेंशन, भाई टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और भाई बहुत सॉफ्टली साइड सस्पेंशन है। सेकंड इसका कंट्रोलिंग एंड ब्रेकिंग सिस्टम भाई काफ़ी सही है, मतलब कंट्रोल ये बहुत इजीली हो जाती है, आपको ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होने वाला है इसको कंट्रोल करने के लिए। थर्ड भाई इसका रोड प्रेजेंस, भाई रोड प्रेजेंस इतना लाजवाब है कि लोग मुड़ मुड़ के देखने वाले हैं। फोर्थ भाई इसका पावर एंड परफॉर्मेंस, भाई इतना सही पावर है, 130-140 इजिली चली जाएगी, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। फिफ्थ लास्ट बट नॉट लिस्ट भाई 600 cc सेगमेंट में डबल इंजन देना भाई बहुत बड़ी बात है। तो बस 5 रीजन मेन थे जो इस बाइक को लेने के लिए सही है। अब भाई 5 आपको कॉन्स बताते हैं भाई जो इसमें बहुत है, 5 क्या काफी ज्यादा कॉन्स है, बट मेन आप लोगों को 5 कॉन्स बताते हैं। तो भाई इसके कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई फर्स्ट ओवर हीट, भाई ये बहुत ज्यादा हीट होती है, मतलब हद से ज्यादा, और भाई गर्मियों के सीजन में तो आप लोग परेशान हो जाने लगे। सेकंड भाई हैंडल वॉबलिंग, अभी तक हमको हैंडल वॉबलिंग का इशू नहीं आया, बट काफी सारे क्रिएटर्स और काफी सारे जो ओनर्स है इसके उनको हैंडल वॉबलिंग का इशू आया है। थर्ड भाई माइलेज, भाई ये बिल्कुल माइलेज नहीं देती है, मतलब 15-20 के ही बीच में आप लोग को रहने वाला है माइलेज, बाकी माइलेज का वीडियो पड़ा हुआ है आप लोग जाओ चेक कर लो। भाई फोर्थ प्रॉब्लम भाई इसका वेट, भाई ये बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो जाती है, मतलब फ्यूल के साथ तो हद से ज़्यादा 250 kg के आसपास चली जाती है, तो वेट भाई बहुत ज़्यादा होने वाला है। भाई फिफ्थ इसका टूरिंग, भाई अगर आप लोग ये बाइक सोच रहे हो टूरिंग के लिए लेने का, भाई बिल्कुल भी नहीं सही है। इसका एग्रेसिव लुक, भाई ये हैंडल जो काफ़ी नीचे की साइड लीन हुई है वो आप लोग को कंधे में, बैक में और रिस्ट में भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाली है, और भाई वेट भाई वो ऑलरेडी आप लोग का शरीर मतलब खा जाने वाली है बहुत ज़्यादा, मतलब आप लोग अगर टूरिंग के लिए यूज़ कर रहे हो तो बहुत बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, बट इसका जो पावर है आप लोग को बहुत हेल्प करेगा टूरिंग में। तो बस इस वाले वीडियोस में इतना ही, मिलते हैं अगले किस्मत आऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय। और भाई कैमरा मैन भाई चट्टी पे बाय बाय बोलो।